भाई अभी हमारे पास महाराज जी के साथ एक लड़का बैठा है, इसके बतावें शुगर थी भाई। शुगर थी भाई अपने? हाँ जी। कहाँ से हुआ? इसार से। इसार से हो? प्रॉपर इसार से? नहीं, खेदर से। खेदर से। शुगर कितने साल से थी? 8 महीने से। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाया कर? हाँ जी। शुगर से भी खतरनाक हो गया तो। डेली कितने इंजेक्शन लगाया? 3। डोज कितनी थी उसकी? डोज थी, कभी बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी, यानी कि 20 से ऊपर रहती थी। 20 से ऊपर डोज रहा करती? 20 यूनिट से ऊपर। तो यहाँ के बारे में कब पता लगा? यहाँ के बारे में पता तो पहले ही लग चुका था, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण पहले नहीं आ पाई। अच्छा, यहाँ पे जब आए आप तो कितने दिन यहाँ पर रहे? कुछ काम करे आपने इतना? जी, मेरे को यहाँ पे 10 दिन हो गए बस, कुछ नहीं मारा। जी झाड़ा लगाते थे और 5 दिन में इंजेक्शन छोड़ दी मैंने। ईब इंजेक्शन लगा नहीं रहा भाई मारा? कुछ शरीर ने नू नहीं लगता भाई, मन तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, नू करना पड़ेगा? नहीं जी, कुछ नहीं है ऐसा। शरीर थकावट या शरीर में और कोई हलचल? नहीं, कुछ नहीं है बस, यानी कि ये एक बार इंजेक्शन छोड़ दे तो थोड़ी बहुत थकावट तो रहेगी। थकावट रही? उल्टी दस्त वगैरह कुछ नहीं लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई और कमजोरी? नहीं, कोई। खाना वाना खा रहे हो? सब कुछ? सब कुछ। मिठाई नहीं खाते होगे वैसे? नहीं, मिठाई नहीं खाते। एक ठंडा बंद है। ठंडा तो यार सबसे खतरनाक मिठाई है वो तो। वो बंद ठंडे में तो आधी गिलास चीनी हो ठंडे का तो वो तो पहले से ही बंद है। महाराज जी ये चाड़ा क्यों कर पड़ा? मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हुआ अभी इसकी शुगर ठीक हो? ये बस ऊपर वाले के दिन है। इससे तो एक मैं बताऊँ आपको, 6 महीने की लड़की थी छोटी सी, आज सुबह लेके गया। वो 3 दिन रखी उसको, 3 दिन में उसके टिक्के बंद हो गए। इसके तो 3 लाख दा बता, उसका 5-6 टिक्का ला गया करता। जब मैं ये कहूँ दुनिया पाखंड बोले, वो पाखंड है कहाँ? मेरे को ये तो दिखाओ, दिखाओ आप। डॉक्टर से चेक कराया है? हाँ जी। के कौन डॉक्टर? डॉक्टर टाइप वन बता रहे थे पहले। अच्छा। डॉक्टरों ने कहा कि तेरे टिक्के बिल्कुल भी बंद नहीं होगी जिंदगी भर। उम्र कितनी होगी? 18 साल हुई है कल ही। कल जन्मदिन था भाई का? हाँ जी। वाह महाराज जी, जन्मदिन के नाम का आशीर्वाद दे दो भाई से। जन्मदिन हो रहे मना महाराज, आशीर्वाद रहना रहे। वैसे आशीर्वाद दे, जब इंजेक्शन बंद होगे तो। हाँ जी, बंद है बिल्कुल। माँ बाप कहाँ है फिर आप? माँ बाप घर पे है। यहाँ पर अकेले ही रहो है? अकेले। वाह जी वाह। तो देखो भाई, यहाँ पे आके साइंस फेल हो जावे है। जब इंसुलिन शुगर के इंसुलिन के इंजेक्शन लगा है और वो इंजेक्शन कदे ख़त्म नहीं होंगे किसी भी स्थिति में, तो ये एक वो चीज़ है जहाँ पे साइंस ने झुकना पड़ा है। ना कुछ महाराज जी ने कुछ खिलाया, बस आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से आज इस भाई के इंजेक्शन लगने बंद हो गए। कितने दिन हो गए इंजेक्शन नहीं लगाए? 5 दिन। 10 दिन से यहाँ पे है, पहले 5 दिन में इंजेक्शन बंद हो गए, अब 5 दिन बिना इंजेक्शन के है। दवाई वगैरह कुछ खा रहा है शुगर की? नहीं, शुगर से रिलेटेड कुछ नहीं दवाई खाई? नहीं, कुछ नहीं खाई। और तो कोई दवाई है ही नहीं शुगर की, सिर्फ इंजेक्शन ही है। बिल्कुल ही बंद हो गई? बिल्कुल ही। साथ में तो लाया था, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में ही है इंजेक्शन, निकाले ही नहीं 5 दिन से। महाराज जी ने ऐसा कौन सा टूना करा ठीक हो गया भाई? वो मेरे को क्या पता, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद लेता हूँ। देखो लोग साइंस को कितना मानना है, इस चीज़ को पाखंड कहो, यहाँ पे साइंस फेल हो गए। अगर ये पाखंड है कोई भाई ठीक हो जाए तो ईशा सा पाखंडी मैं भी बन जाऊँगा। ईशा सा पाखंडी हर व्यक्ति बनना चाहे है, हर आदमी ठीक होना चाहे, चाहे पाखंड का नाम दे लो चाहे कुछ नाम दे लो, यहाँ पे आके साइंस फ्लोप हुआ है। अरे यहाँ पे आके बहुत सारे लोग वो पाखंडी बोल रहे हैं जिनकी दुकानदारी इस काम से चलती थी, अब वह दुकानदारी उनकी बंद होने लग रही है और ये काम चलने लग रहा है, अब वही लोग शायद इसको पाखंड कहे। महाराज जी ने पैसे लिए आपसे? नहीं। अरे कुछ तो लिया होगा? कुछ भी नहीं लिया। खाने का नाम का तो लिया होगा? नहीं, खाने का भी होटल वाले शुरू में तो 2-3 दिन लिया था, वो भी बिल्कुल फ्री में खिला रहे। महाराज जी तो चढ़ा हो गया। ये देखो अभी आप आपके सामने है, होटल वाला ने कौन किसी का हुआ, अगला खुद कह रहा है भाई 2-3 दिन तो पैसे लिए शुरुआत में, अभी वो भी पैसे बंद कर दिए, खाना फ्री में खा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ होटल वाले का तो नहीं चढ़ा लाया यार। मैं तो सबको ये कहता हूँ, नहीं होटल वाले से मैं मिला। अच्छा, मिले ही नहीं? मिला ही नहीं होटल वाले से मैं। होटल वाले कोई भी आओ इधर आदमी, अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो होटल वाले खाना फ्री खुआएंगे, अगर कोई प्रसाद फोटो जो भी लेना चाहो तो फ्री दे देंगे जिसके पास। कमेटी ने रूल ही बना रखा है कैसा। अच्छा। और कई ये बोलते हैं पहले यो मना जी का नाम का झाड़ा लगाया करता, मैं झाड़ा कौन लगाया, क्या गए नाम गई, मैं तो आशीर्वाद दूँ बस, ये भगवान की लीला है, भगवान की देन है। दुनिया है
बिना हटगी जी बहन था कोई किमें का कोई किमें का कह जाओ अपना कोई फर्क नहीं पड़ना। गुस्सा तो उठता ही होगा मेरा ना, कोई गुस्सा को नहीं उठा है, तू थप्पड़ मार के देख ले गुस्सा उठत मेरा। हाँ देखो भाई ये महाराज जी हैं और ऐसे ऐसे बात का हैं तो यहाँ पे पाखंड नहीं लगता, फिर भी कोई पाखंड का होगा तो कह जाओ। जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हैं शुगर, इनके माँ बाप कितने खुश होंगे, और यहाँ पे आकर जब साइंस ये सोचेगी भी की करा। फिलहाल एक महाराज जी थे उन्होंने कहा था साइंस ने आज के टाइम में इतनी ही प्रगति करी है जितनी एक पहाड़ पर चल दी हुई कीड़ी ने प्रगति करी है। पहाड़ के ऊपर जितनी बड़ी कीड़ी नजर आवे ना उतनी साइंस है फिलहाल, तो अध्यात्म क्या सब कुछ फैला भाई। तो भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे मिराकल हैं यहाँ पे, बहुत सारे अद्भुत नज़ारे हैं। और जब मेरा भाई ठीक हो गया, महाराज जी ने तो पहले कहा था शुगर के मरीज आवे यहाँ पे ठीक हुए हैं और बहुत सारे आवे हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अब इससे तो मैंने पीछे नहीं दे रखे, महाराज ने नहीं दे रखे, अरे खुद ही आ रहा कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ा रहा। तो भाई इससे बड़ा उदाहरण और कुछ होगा नहीं, महाराज जी एक सुखा जाड़ा मेरा ला दो भाई। वाह मैं तो फ्री में जाड़ा रखवा गया भाई। बाकी ये आशीर्वाद है और आशीर्वाद के आगे सब कुछ फैल है भाई। सच कहूँ मैंने तो आज दूसरी बार लगवाया झाड़ा, पहली बार मैं महाराज जी के घर पर था तब थोड़ा सा अजीब सा था, मैं आज थोड़ा सा अजीब हूँ, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ला लो या कुछ भी लगा लो मैं भी ठीक हूँ। तो सारी ये बात मिला लो भाई इसमें, यहाँ पर भाई ठीक हो गया ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। महाराज जी से ऐसे उदाहरण तो हजारों हैं, बहुत बहुत आदमी ठीक हुए हैं, माँ बाप इनके कितने खुश हुए हैं। हाँ मैं बोलता हूँ इनको पहले, ये टिक्के वालों को मैं पूछ लेता हूँ भाई टिक्के लगाए हैं, ये बोल टिक्के लगाए हैं तो मैं इनको बोलता हूँ 3 दिन रुकना पड़ेगा, क्यों इनको टिक्के बंद करवाएंगे तो उल्टी दस्त जी दुखाना शरीर बदन दर्द करना ये शिकायत होती है इनके साथ। तो मैं इधर होता हूँ तो मैं झाड़ा लगा लेता हूँ, वैसे इनके एक आदमी साथ में रखता हूँ, इनके भी रहे था 3 दिन घरवाले, 3 दिन बाद में इनको बोले शरीर ठीक है हमारा आप जाओ घर पे, जब गए हूँ अभी 10 दिन रहोगे जी कद जाओगे अपने घर। मैं तो इसको बोल रहा हूँ तू जा, अगर इधर तेरे संतुष्टि होए घर क्या काम करेगा, क्या काम है घर पे, बीमारी ठीक कराओ पहले आराम से ठीक होएगा। 5 दिन और बैठा है अस्पताल में, एक एक महीना निकला है और पैसे लगाए चाह का भी चाह पियो तो 10 रुपया लगाए, पूरे इस भाई के कुछ पैसे तो नहीं लगाए, खाना ये बोल रहा है होटल वाला फ्री खिला रहा है, तो क्या दिक्कत है इसको, 5 दिन और आराम से आशीर्वाद लेके जाएगा ठीक हो के जाएगा बिल्कुल, घर वाले जी कहेंगे हाँ बच्चा ठीक हो गया है। तो अगर समस्या आपकी गंभीर है तो 3 दिन लगाओ यहाँ पे, और पहली बार में कितने कितने मिराकल हैं भैया। तो यह वीडियो फिलहाल इतनी है, ऐसे ऐसी चीज़ों ने देख कर अगर लोगों को पाखंड कहें तो मैंने पसंद है ऐसा पाखंड। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।